पैसों के बदले बेचा जाता है यहाँ खून, जरूरतमंदों को बनाया जाता है निशाना। जिला अस्पताल में एक्टिव है गैंग, लेता है पैसे दिलवाता है ब्लड। कौन कौन शामिल है इस गैंग में, न अस्पताल प्रबंधन को न पुलिस को जानकारी। ऐसे चलता है पैसों के बदले ब्लड का खेल, कैमरे में कैद हुआ मीडिएटर। शिवपुरी के जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला उजागर हुआ है। यहां खून के सौदागर गुपचुप तरीके से जरूरतमंदों को अपना निशाना बना रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगती। होने को तो अस्पताल में एक पुलिस चौकी भी है, लेकिन पुलिस भी है, इनसे अनजान क्यों है। शातिराना तरीके से ये गैंग घटना को अंजाम देता है। दरअसल शिवपुरी के जिला अस्पताल में एक ऐसा गैंग घटना को अंजाम दे रहा है जिसमें जरूरतमंद अपनी जरूरतों को पूरा होने के बाद किसी के सामने मुंह नहीं खोलता, मरता क्या ना करता। तर्ज पर चल रहे इस खेल में शिकार हो रहे हैं वो लोग जो जिले भर से डिलीवरी करवाने प्रसूता को शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं। ज्यादातर लोग अकेले ही प्रसूता के साथ शिवपुरी आते हैं। डिलीवरी के वक्त जब डॉक्टरों से खून की मांग की जाती है तो ऐसे में ज्यादातर प्रसूता के परिजनों के पास ना तो कोई रक्त देने वाला डोनेटर होता है और ना ही सहयोगी। बस इन्हीं लोगों की तलाश में ये गैंग रहता है जो रक्त उपलब्ध करवाने के एवज में पैसे लेकर रक्त की जरूरत को पूरा कर देते हैं और किसी को पता नहीं चलता। जब इस गैंग के बारे में जानकारी जुटाई तो एक व्यक्ति कैमरे में कैद हुआ, जिस खून की खरीद फरोख्त में शामिल होने वाले व्यक्ति से मिलवाकर ब्लड दिलवाने की बात करते हुए दिखाई दे रहा है। बकायदा ब्लड के बदले पैसे भी बता रहा है। एक करवा दे यार, क्या कितने भाई सर जहाँ आते तो है देने वाले, लेकिन वो कुछ लोग वेट वेट कर रहे हैं। मुझे यार किसी ने आप करवा दो, मुझे किसी ने बताया था एक्चुअली, तो मेरी अलग होते हैं अंदर भरती है तो अभी मांग रहे हैं। अगर तुम भाई सब रुको मैं आता हूँ देख के, नहीं वो सही फिरते हैं देने वाले। तो मुझे अभी किसी ने बताया आप करवा दोगे व्यवस्था, इस चक्कर में मैंने कहीं था आपको बताया था। चलो रुको मैं देख ले, देख के लाता हूँ, रुको आप जो बत क्यों क्या लगेगा वो तुम बात कर लेना, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। अच्छा और क्या, चलो करवा दो तो मेरी अलग कोई व्यवस्था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति पैसे लेकर ब्लड दिलवाने की बात करता हुआ डोनेटर को बुलाकर बात करवाने की बात कहता हुआ बाहर निकल जाता है। इस बात की पुष्टि इसी आधार पर हो जाती है कि जो व्यक्ति पैसे के बदले ब्लड दिलाने की बात कहता हुआ बाहर निकला था वो उससे पहले एक महिला से डीलिंग करते हुए देखा गया। आज इतना ही नहीं, महिला वीडियो में कबूल करती नजर आई कि उसने ब्लड खरीदा है, अब जो पैसे लें वो दे देंगे। मंगरौनी से ही? मंगरौनी से ही आई है। हमारी भी एक डिलीवरी होनी है, चक्कर में बैठे इनने भैया ने व्यवस्था करवा दी ब्लड की तुम्हारी। कितना पैसा लगा, कितना पैसा लगा? अब जो कुछ ले ले। अच्छा, वहीं तीसरी वीडियो में उक्त व्यक्ति ब्लड मुहैया कराने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है आपको कब चाहिए ब्लड, व्यवस्था हो जाएगी। इस बीच वो अपने आप को पाक साफ बताते हुए पैसों के बदले ब्लड डोनेट करवाने वाले से बात करवाने की बात कह रहा है। साथ ही ब्लड के बदले कितने पैसे लिए जाएंगे ये भी वो डोनेटर पर छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इन वीडियो से साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं शिवपुरी में जिला अस्पताल में एक ऐसा रैकेट कार्य कर रहा है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बना रहा है। अंदर है हो जाएगी गुरु, मैं ये कह रहा हूँ भाई से सुनो, आदमी तो अभी है नहीं है, आ जाऊंगे तो मैं तुम्हारी बात कराऊंगा।
कब लगेगा? ब्लड बस दोपहर नहीं होना है, ऑपरेशन ऑपरेशन जब लगेगा। हाँ वो तो आ ही रहेगा, तुम पहले मिला जाऊंगा तुमसे, आपका नंबर वंबर दे दो। नहीं मैं मिला जाऊंगा तुमसे, मैं चाहिए अभी तो घंटा का। क्या क्या लगता है? अब तुम बात कर लेना, मैं बता दो ले दे ले दे फ्री दे दे, तुम बात कर लेना। फिर भी है ना तुम जो है ना परमात्मा का चित्र मतलब सम, वो तो आओ भाई साहब से हम व्यवस्था करेंगे। वो तो आप कमरे में कितने ले रहे? तीन ले लें, ढाई ले लें, उनके ऊपर है। एक यूनिट ब्लड की पता नहीं है हमें, देखो भाई जनपन नहीं कर। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन राजकुमार ऋषिश्वर का कहना है कि पहले भी इस तरह गैंग एक्टिव हुआ था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करवाई गई थी। अब इस गैंग की शिकायत पुलिस में की जा रही है, जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। हाँ ये कुछ जानकारी में आया है, पूर्व में भी इसके लिए कोतवाली से एक बार बुलाया गया था कि जिन्होंने कुछ इस तरह के काम किए थे तब भी उन लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई की गई थी। दोबारा से भी, क्योंकि ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, कोई भी आके कोई ब्लड की बाहर वाला भी कोई आके इसका ब्लड की कुछ भी पैसे लेके काम करे, क्योंकि स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित है कि तत्काली फ्री ब्लड उपलब्ध कराया जाए, खासतौर पर महिला और गर्भवती महिला और बच्चों के लिए निःशुल्क रूप से जो भी ब्लड है वो उनको दिया जाता है। सर इसमें अस्पताल के किसी छोटे कर्मचारी की संलिप्तता भी बताई जा रही है, उनके माध्यम से ही सर निकलवाया? नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, खासतौर पर ब्लड बैंक का स्टाफ, सभी लोग जानते हैं जो कर्मचारी हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं।